तो 22 जनवरी को बड़े जोरों शोरों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हुआ। इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। रामलला के दर्शन करने के लिए रामानंद सागर की रामायण के राम और सीता लक्ष्मण ने भी इस भव्य समारोह में शिरकत की थी। भगवान राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल, माता सीता का किरदार निभा चुकी दीपिका चिखलिया और लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दिन रामलला की अयोध्या पहुंचकर आराधना की। बता दें कि इस समारोह में रामानंद सागर की रामायण के लक्ष्मण को पहले न्योता नहीं भेजा गया था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सुनील लहरी यानी रामायण के लक्ष्मण को एंड टाइम पे न्योता भेजकर बुला लिया गया। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो लक्ष्मण यानी सुनील लहरी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें प्रसाद में क्या क्या मिला। एक्टर ने वीडियो शेयर करने के साथ ही कैप्शन में लिखा कि क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में क्या प्रसाद मिला और मैं उस प्रसाद का क्या करने वाला हूँ। एक्टर ने वीडियो शेयर कर सबसे पहले स्टील के डिब्बे में रखे हुए बेसन के लड्डू दिखाए। इसके बाद सुनील लहरी ने तुलसी की माला, रुद्राक्ष, चावल, रक्षा सूत्र, शबरी के बेर, कुमकुम, केसर, दिया और गंगाजल भी दिखाया। एक बड़े डिब्बे में भी कुछ लड्डू और मिष्ठान देखने को मिले। सभी राम भक्तों को जय राम जी की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आप लोगों को पता है क्या प्रसाद मिला? जानना चाहते हैं? बताऊं? आइए देखिए, ये डब्बा है स्टील का जो वहीं से मिला है। इसके ऊपर देखिए ये है और अंदर लड्डू हैं, बेसन के लड्डू हैं और मगध के लड्डू हैं। इसके बाद में ये तुलसी माला है, फिर और ये रुद्राक्ष है, थोड़े से चावल हैं और हाथ में बांधने वाला धागा है। ये शबरी के बेर भी हैं, कुमकुम भी है, केसर भी है और ये दिया मिला है और साथ में गंगा जल। इसके अलावा एक बड़ा डब्बा मिला है प्रसाद का। इसके अलावा एक्टर ने यह भी बताया कि राम मंदिर से मिले इस प्रसाद का वो क्या करेंगे। एक्टर ने कहा कि सब प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनना चाहते थे लेकिन ऐसा होना असंभव था, इसीलिए ये वीडियो खास उनके लिए है जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा बनना चाहते थे लेकिन बन नहीं पाए। मैं इस प्रसाद को छोटे छोटे पाउच में डालकर अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, ऑफिस और बिल्डिंग के लोगों को भी बांटूंगा। ऐसा करने से सभी लोग खुद को प्राण प्रतिष्ठा का हिस्सा समझेंगे। खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सुनील लहरी ने न्योता न मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि राम सीता के साथ लक्ष्मण ना दिखे तो अधूरा अधूरा सा लगता है। तो जब उन्होंने ये बात अपने फैंस के साथ शेयर की तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा और सभी ने ये कहा कि लक्ष्मण तो राम के साथ साये की तरह रहते थे, फिर यहाँ राम सीता को न्योता दिया जा रहा है लेकिन लक्ष्मण को नहीं, ऐसा क्यों। हालांकि बाद में उनके फैंस में ये नाराजगी देख उन्हें भी न्योता भेजा गया जिसे लेकर उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की थी। एक्टर ने कहा था, मैं वास्तव में भगवान और लोगों को शुक्रगुजार करता हूँ और मेरे फैंस भी चाहते थे कि मुझे भी इन्विटेशन मिलना चाहिए। भगवान राम के आशीर्वाद से उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। ये जीवन भर में एक बार मिलने वाला अवसर है और अब दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं रामानंद सागर जी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे रामायण शो में लक्ष्मण की भूमिका निभाने का मौका दिया जिसने इतिहास रच दिया। क्या आपने रामानंद सागर वाली रामायण देखी है दोस्तों? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़ें।